नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक और छात्र यानी शिक्षक के द्वारा छात्र को दी गई गाली कांड का आज हम पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी इस पे अपने अपने विचार रखे, बहुत ज्यादा तर्क और वितर्क किए। इसके बाद फिर हम इसका पूरा कहानी आपको बताते हैं, और देखने से पहले आपको ये चेतावनी देते हैं कि मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, इसको बहुत दिल पे मत लीजिएगा। और बहुत लोग बहुत ज्ञान देने लगते हैं, तो ज्ञान मत दीजिएगा, क्योंकि हम इतने हमारे घर परिवार के संस्कार हैं। एक शिक्षक का मैं खुद बेटा हूं, तो हमको आप ज्ञान मत दीजिएगा, क्योंकि आपके ज्ञान बहुत उड़ेल उड़ेल कर आप ज्ञान देते हैं, और जहां जरूरी होता है वहां पे आप ज्ञान नहीं देते। आप खुद देखते नहीं हैं, दूसरों को आप बहुत जल्दी ज्ञान देने लगते हैं। वैसे भी आजकल की दुनिया बहुत परसेप्शन एरा है, यानी धारणा वाली दुनिया है। कोई किसी के विषय में कुछ बोल देगा तो वो व्यक्ति उसे मान लेगा। 100 अच्छाइयां करिए, एक इंसान कोई गलत बोल दे तो आप 100 अच्छाइयों को भुला जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर भी होता है। हम बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस शिक्षक द्वारा उस छात्र को भरी क्लास में दी गई गाली के मुद्दे पर। कॉमर्स डिपार्टमेंट में मोनरिबा में, यानी कि मोतीलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी का कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उसमें एक एमकॉम की क्लास में प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर साहब का दी गई पीआरओ मैम के द्वारा दी गई सूचना के वजह से उनका रक्तचाप बढ़ गया, यानी ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो छात्र को बुला करके माँ बहन की गाली दिए। आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। इसके साथ साथ कट्टा वट्टा सटा वटा के ऐसे एक्टिंग करके जो है, जो भी उन्हें बोला उसको आपने वीडियो में देखा। इसके बाद क्या हुआ, हम सब हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, और हमारे साथ ऐसा होता है, और ऐसा करने की किसी की हिम्मत कैसे पड़ जाती है, चाहे वो एक शिक्षक हो चाहे जो भी हो। शिक्षक गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक का जो स्थान होता है वो भगवान से भी ऊपर होता है, ये कहा गया है। लेकिन शिक्षक की भी कई क्राइटेरिया होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उस भरी क्लास में 100 बच्चों के बीच में एक छात्र को बुलाकर इतनी अच्छी तरीके से लज्जित करना, उसकी माँ बहन की गालियां देना कहाँ तक शोभनीय था, एक बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक के द्वारा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और भी शिक्षक हैं, बहुत लोग इस पे भी ज्ञान देने लगे। बाद में फिर क्या हुआ, पहले मुद्दा आके हम आपको पूरा बताते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, एक छात्र ने पीछे से वीडियो इसका बना लिया था, तो सारी जगह वायरल होता है, और अब जो शिक्षक जी थे वो छुट्टी लेने पे मजबूर हो गए। लेकिन हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम घसीटते भी हम बहुत अच्छी तरीके से रगड़ते भी हैं। दूसरे दिन पूरी तरीके से विश्वविद्यालय का माहौल एकदम अलग था। छात्र और छात्राओं ने भरी क्लास के बाहर अपने विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट किया। उनकी आवाज में आवाज छात्र नेताओं ने मिलाया। बाकी कोई आम छात्र बहुत ज्यादा वहां मौजूद नहीं था, बाकी बहुत ज्यादा संख्या भी नहीं मौजूद थी, लेकिन ज्ञान देने के लिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बहुत लोग पहुंच गए थे, और वो पूरा मैटर नहीं जानते, पूरा मुद्दा नहीं जानते। बात हम करते हैं, प्रोफेसर साहब आए, विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी भी बड़े स्तर पर मौजूद रहे, और वो जो है गलती भी माने, कान भी पकड़े, हाथ भी जोड़े और नीचे भी बैठ गए। इसके बाद बहुत लोग अपनी उस संस्कृति का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संस्कृति का आप लोग हवाला देकर कहते हैं शिक्षक के साथ बहुत गलत हुआ। आप खुद सोचिए, भरी क्लास में 100 बच्चों के बीच में वो लड़का कैसे दूसरे दिन जाके आंखों से आंखों को मिलाएगा, कैसे वो नजर से नजर मिलाएगा, उसकी क्या गलती थी। दूसरी बात यह है, आप दूसरे दिन जब वीडियो को देखते हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने बोला कि सर ये वीडियो हमारे घर वाले भी देखेंगे, और आजकल की जो दुनिया है वो चीजें जो देखती है वही बोलती है, आपको भी जो दिखता है वही आप बोलते हैं, आपको कोई ठुनका देगा कुछ सिखा देगा आप वही बोलना स्टार्ट कर देंगे। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नहीं छोड़ते, आप हमको भी नहीं छोड़ते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन गेट से अगर आप एंट्री करेंगे और छासंग भवन के गेट से निकलेंगे, आपको 26 लोग मिलेंगे, तो 26 तरीके की बातें आपसे बताई जाएगी, और वही आप बात मानेंगे भी। आप हमको संस्कृति की बात सिखा रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संस्कृति ऐसे नहीं थी, तो भैया मैं भी बता रहा हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 4 महीने में भी आप पढ़ रहे हैं, आप संस्कृति बता रहे हैं। यहाँ के छात्रों की भी ये संस्कृति नहीं थी, पहले के छात्र लड़ते भी थे और पढ़ते भी थे। 400% की फीस वृद्धि आपकी हो गई, आपने चूं से पूं तक नहीं की, पर आपकी फीस बढ़ गई। आने वाली नस्लें आपको बार बार बोलेंगी, 400% की फीस वृद्धि पे आप नहीं बोले। एक प्रोफेसर इतना अमानवीय कार्य व्यवहार किया, उसके बाद भी आप शांत थे। खैर, विरोध के बाद उन्होंने माफी मांगी। माफी क्यों मांगी, माफी न मांगते तो इस्तीफा लिया जाता, क्योंकि उनका रक्तचाप बढ़ गया था, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था।
आपको ये भी बता रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक से एक ऐसे शिक्षक हैं जिनकी क्लास करने के लिए बच्चे तरसते हैं। बच्चे तरसने का मतलब फिलॉसफी डिपार्टमेंट में चले जाइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध टीचर प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर हैं। शिक्षक अगर अच्छा होगा तो छात्र अपने आप ही अच्छे होंगे, छात्र और छात्राओं का दोस्त नहीं होता है। अगर शिक्षक चाहे तो एक खराब से खराब छात्र को भी मटकी की तरीके से गढ़ और मढ़ कर एक अच्छा छात्र बना सकता है। उनकी क्लास करने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। हिंदी विभाग के भी बहुत सारे अध्यापक हैं, वो भी अपनी क्लास को पढ़ाते हैं, उनकी क्लास में 200-400 बच्चों की भीड़ लगी रहती है। इसके साथ साथ बहुत नवनियुक्त प्रोफेसर भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, वो भी। शिक्षक का भी एक धर्म होता है, जब शिक्षक अपना धर्म नहीं निभाएगा तो छात्र कैसे अपना धर्म निभाएगा। दूसरी बात यह है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उसमें जो है छात्र ने जब हाथ जोड़ के प्रोफेसर साहब माफी मांग रहे थे तो छात्र ने वहां एकदम विनम्रता से पूछा, सर मेरी गलती क्या थी कि आप भरी क्लास में हमको ऐसा डांट रहे थे। वो छात्र थोड़ी बोला कि आप नीचे बैठ जाइए, प्रोफेसर साहब ने इतनी बड़ी गलती की उनको नीचे बैठना ही पड़ा। और बच्चे वहां कोई नहीं चाह रहा था कि वो नीचे बैठे, बच्चे सीधा और साफ तरीके से इस्तीफा मांग रहे थे। ये सारी बातें हैं, हम किसी भी मुद्दे को पहले तो अच्छे से जान लें, समझ लें, तभी उसमें अपने तर्क और वितर्क करें, तभी हम उस पर हम विचार रखें। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम किसी ऐसे संस्थान के छात्र नहीं हैं कि जहां पे हमारी जमीन मर गई हो। हम लड़ते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं। वीडियो को अपलोड करने का मतलब यही था कि दोबारा भविष्य में आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है। उसमें कुछ बुद्धिजीवी कमेंट कर रहे हैं कि अभिनव द्विवेदी जैसे छात्र नेताओं ने बहुत गलत किया, उनको जाके प्रोफेसर साहब से माफी मांगनी चाहिए। भैया कभी आप विश्वविद्यालय आइए, हम तो वहां पे मौजूद भी नहीं थे, हम क्यों माफी मांगे जाके, आप खुद बताइए हम क्यों माफी मांगे। आप जीने नहीं देंगे क्या? हम क्या करें, हम क्या ना करें, हम क्या वीडियो बनाएं, हम क्या पोस्ट करें, क्या ना पोस्ट करें, या आप हमको बताएंगे क्या? हमारी खुद की भी जिंदगी है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, आप हमसे वो भी छीन लेना चाहते हैं क्या? वैसे भी आप इतना बुरा भला बोलते हैं, आपके लिए कोई इंसान इतना कुछ करता है, मैं तो कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ आपका है, लेकिन आप गलत बोल ही देते हैं। आप विश्वविद्यालय में नए नए आते हैं तो आप बहुत भोले भाले रहते हैं, आप बहुत मानते जानते हैं, 2 महीने बीतने के बाद आप खुद ही मठाधीश बन जाते हैं, आप हम ही को उल्टा ज्ञान देने लगते हैं। और ज्ञान व्यान देने से कोई फर्क वर्क मुझे पड़ने वाला नहीं है, आपके गलत बोलने से ना मैं गलत हो जाऊंगा, आपके सही बोलने से मैं सही नहीं हो जाऊंगा। इसका एग्जाम्पल हम साफ तौर पर लेते हैं, मेरे इलेक्शन में जब मैं चुनाव लड़ रहा था उसमें उस समय 3500 वोट मेरे पोस्ट पे पड़े थे, उन 3500 वोटों में मैं 977 वोट पाके चुनाव जीता था, यानी कि 30% वोट पाके मैं चुनाव इलेक्शन फाइट करके जीता था। इसका मतलब है हर 10 में से 7 व्यक्ति मुझे गलत ही बोलेगा, वो मेरा विरोधी ही रहेगा, 3 व्यक्ति मुझे सपोर्ट करेगा, तो वो मुझे आदत पहले से ही है। आज के छात्र हैं, आते हैं, बहुत मानते जानते हैं, मेरा कोई उनसे कोई कुछ नहीं रहता, मैं तो अपना मैक्सिमम 100% देता ही हूं हर जगह, लेकिन आप किसी के कहने पे किसी इंसान को गलत मान लेते हैं। वो इंसान आपके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार किया हो, लेकिन अगर आपको कोई दोस्त, आपका हित्र मित्र वहां पे बहुत बड़े बड़े मठाधीश आपको मिल जाते हैं, वो बोल देते हैं ये गलत है, तो आप गलत मान ही लेते हैं, क्योंकि हमसे तो आपकी कम्युनिकेशन हो नहीं पाता, हम तो सबसे मिल नहीं पाते। तो ये जीवन है, यहाँ पे जब भगवान श्री रामचंद्र को किसी ने छोड़ा तो हम तो एक इंसान है, और हम अपना काम करते जाएंगे। आप कितना भी बोलेंगे, हजारों की भीड़ में 10 के बोलने से कुछ हो नहीं जाता, आप बोलते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। वीडियो को अपलोड करने का बस सिर्फ यही एक उद्देश्य था कि आगे भविष्य में किसी भी शिक्षक की इतनी हिम्मत ना हो कि भरी क्लास में उस बच्चे को जलील किया जाए। आप उसके मानसिक स्तर को समझिए, 100 बच्चों की क्लास में किसी एक मेच्योर स्टूडेंट को अगर इस तरीके से लताड़ा जाए, मारा जाए, डांटा जाए, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? वो कभी नजर उठा के देख पाएगा? कभी नजर से नजर मिला पाएगा? उसकी मानसिक स्थिति पे, उसके जगह पे रह के सोचिए, देखिए, तब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचा करिए। और छात्र नेताओं को बोलने से पहले अपने अंदर झांक के दिखा करिए कि वही छात्र नेता जब आपकी फीस वृद्धि के लिए, वही छात्र नेता जब आपके छात्रावास के लिए, वही छात्र नेता जब आपके हक के लिए लड़ते हैं तो उनपे 50 मुकदमे लादे जाते हैं, लेकिन एक भी आवाज आपकी तरफ से उठती नहीं है उनके समर्थन में, उनके साथ। हमारे भी ऊपर FIR हुआ था, लेकिन उसके बाद किसी भी छात्र ने कोई आवाज नहीं उठाई थी। आप आ सकते हैं, आप साथ दे सकते हैं, आप शारीरिक तौर पे ना लड़िए, आप लेटर लिख के अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं करते, आप अपने घर में बैठे रहते हैं
और जो हसल हमारा सबका होता है, बस आप उसके मूक दर्शक बन के दिखते रहते हैं। ये सारी बातें हैं, बहुत सारे छात्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए था जो कुछ आर्यभट्ट और वराहमिहिर के वंशज हैं। ये सब पता नहीं किस वगांडा से आकर के ज्ञान उड़ेल देते हैं। भैया हमको आपका ज्ञान नहीं चाहिए, हम तो कहते भी नहीं आपको सब्सक्राइब करिए, जो चीजें बताता हूँ बस उसको सुन लिया करिए, ना सुना करिए तो गाली भी दे दिया करिए। आप गाली भी देते हैं, कुछ से फर्क भी नहीं पड़ता, आपकी वजह से गला भी खराब हुआ है, वीडियो बनाते बनाते गले में दाना निकल गया है, अभी भी स्थिति खराब है, आवाज मेरी आप देख ही रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं करता है, पूरा सब कुछ आपका है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हाँ पर्सनल में आप इंटरफेयर मत करिए। मेरा खुद का माध्यम है, आपको मैं प्रेषित कर रहा हूँ, आपका मन है, आप देखिए। भैया आप वैसे भी कितना कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं बहुत लोगों का नुकसान नहीं कर सकता, मैं बनाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं बातों को रखूंगा, जिसको बुरा लगे वो साइड हो जाए, अपना ज्ञान भी आप देने के लिए स्वतंत्र है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी मुद्दे के निष्कर्ष में पहुंचने से पहले, एक बार बोलने से पहले हजार बार सोचना चाहिए, तब बोलना चाहिए। और किसी भी इंसान को भी आप इतनी आसानी से मत तौला करिए, हो सकता है कि समुद्र में इतनी गहराई है कि आज तक कोई नापा नहीं है, जो व्यक्ति जितना शांत रहता है उसके अंदर उतनी ही गहराई रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं उन आर्यभट्ट और वराहमिहिर को समझ आ गया होगा और हमारी भी बातें आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।